तो वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं करने जा रहा हूँ पहला ब्रेकडाउन बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी का, और ये अब तक का सबसे पहला ब्रेकडाउन होगा। अब तक किसी भी यूट्यूबर ने इस पे वीडियो नहीं बनाया, किसी ने भी ब्रेकडाउन नहीं किया। तो चलो ब्रेकडाउन शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो सबसे पहले हमें देखने मिलता है प्लैनेट अर्थ, जिस पर एक पर्पल कलर का कुछ कवर्ड करता जा रहा है प्लैनेट अर्थ को, और ये मुझे लगता है कि ये अपग्रेड किस पीस से, क्योंकि अपग्रेड का प्लैनेट कुछ इसी तरह का है। तो मुझे लगता है अपग्रेड ही प्लैनेट अर्थ को गैल्वन बी बनाना चाहते हैं। देन हमें देखने को मिलता है बेंटन, और बेंटन के पास में मुझे लगता है ये न्यू वॉच है, बिकॉज बेंटन के जो क्लासिक ओमटिक्स है, इनके सबसे पहले जो ओमटिक्स है उससे ये वाला ओमटिक्स मैच नहीं करता है। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा ओमनी एंचेंट ओमटिक्स की तरह लग रहा है, लेकिन इसके पाइप तो ओमचेंट ओमटिक्स के पाइप थोड़े अलग से हैं, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और साथ साथ में ओमनी किक्स तो हो ही नहीं सकता, उस पर तो व्हाइट आर्मर लगा है उसके ओमटिक्स पर भी। तो बेंटन के पास में बेंटन वर्सेस द यूनिवर्स मूवी में एक नया ओमटिक्स होगा, और ये मुझे लगता है बेंटे ओमनी किक्स और ओमनी एंचेंट ओमटिक्स को मिलाकर एक ओमटिक्स बनेगा, बिल्कुल ओमनी किक्स की तरह ही है इस ओमटिक्स के पाइप, और ओमनी एंचेंट की तरह ही है इस ओमटिक्स का कलर और उसके केमिकल जो पाइप्स के अंदर दिख रहे हैं। तो हम बात करते हैं बेंटन वर्सेस द यूनिवर्स मूवी के कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स की, जो हमें वेबसाइट से पता चला है। तो इस बेंटन की सीजन 5 यानी बेंटन रिबूट सीजन 5 की मूवी होगी, और ये अब हम जानते हैं सीजन 4 जल्दी खत्म होने वाला, तो ये हमें जल्दी देखने को मिलेगी इंडिया में भी, क्योंकि इंडिया में बेंटन आना शुरू हो गया है दोबारा कार्टून नेटवर्क पर शाम को 7 बजे। और ये मूवी एक ब्लास्ट पर फोकस होगी, जो कि स्पेस से आके अर्थ पर गिरेगा, और उसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा हार्म होगा अर्थ को और बेंटन के टीम को भी। और इस मूवी में हो सकता है हमें दो विलन देखने को मिले, एक तो स्पेस में जो कि मेन विलन होगा, और देन हमें अर्थ पर भी एक विलन देखने को मिले, लेकिन कुछ जरूरी नहीं है, हो सकता है ये दोनों एक ही विलन ने काम किए हों, और कोई नया विलन और बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन इंट्रोड्यूस होने वाला है। और उसी ब्लास्ट से बचाने के लिए बेंटन आएगा दोबारा अर्थ पर, और इस मूवी में हमें बेंटन के ओन ट्रिक्स और बेंटन के और बेंटन के जितने भी कैरेक्टर हैं सबकी पावर बढ़ी हुई दिखाई देंगी। और ये बात कुछ वेबसाइट्स ने कही है, और इसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ बेंटन का ओन ट्रिक्स एक न्यू मोड ओपन करेगा, जिसके ओन ट्रिक्स में ओपन हुआ था ओमनी किक्स और ओमनी एंचेंट। और ये भी हो सकता है हमें इस मूवी में ग्वेन की मानव पावर देखने को मिले, और साथ में उसके एंड्रॉइड फॉर्म भी देखने को मिले, और मैक्स फिर से अपने प्लम्बर वाले काम शुरू करें इस मूवी में। और साथ ही साथ में ये भी हो सकता है कि हमें केविन की अब्जॉर्बिंग पावर देखने को मिले, साथ साथ में बैन ग्वेन और केविन की फिर से एक टीम बने, इसकी एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन और ओमनीवर्स में बनी थी। और बेंटन की इस मूवी यानी कि बेंटन वर्सेस द यूनिवर्स मूवी से ही बेंटन का एक न्यू यूनिवर्स शुरू होने वाला है, या फिर बोलूँ तो सिनेमैटिक यूनिवर्स कुछ भी हो, लेकिन बेंटन का एक यूनिवर्स आएगा अब बेंटन फ्रेंचाइजी से ही। और हाँ, ये कॉमिक कॉन एट होम जो शुरू हो रहा है 23 जुलाई को आएगा, उस पर बेंटन के ट्रेलर्स आएंगे और बेंटन की न्यू इन्फॉर्मेशन भी आएगी कॉमिक कॉन होम पर ही। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करनी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो मैं आप तक जल्द से जल्द पहुँचा दूँ, और साथ ही साथ में मैं बेंटन और सुपर हीरो से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, और बेंटन वर्सेस द यूनिवर्स मूवी से और भी रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख लेना।